लेबनान पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हमलों से लेबनान में डर और दहशत का माहौल पसरा हुआ है। इसराइल द्वारा लगातार लेबनान और हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। गाजा के बाद अब लेबनान को शमशान बनाने में जुटे इसराइल ने हिजबुल्ला के आतंक के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। इसराइली सेना ने 2 दशक में सबसे बड़ा अटैक किया। लेबनान में हिजबुल्ला के 1600 ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। इसराइली हमले में इतनी तबाही मच गई कि लोग जान बचाकर भागते नजर आए। इसराइली हमले में मरने वालों की संख्या 500 के पार पहुंच गई, जिसमें 90 महिलाएं और बच्चे हैं। घायलों की संख्या हजारों में है। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इसराइली सेना ने हमले के बाद बयान में कहा कि उसने हिजबुल्ला के 1600 ठिकानों को निशाना बनाया। IDF ने तस्वीरों के साथ बयान जारी किया कि लेबनान में हिजबुल्ला ने आम लोगों के घरों को अपना शस्त्रागार बना रखा था। सेना पहले ही आम लोगों को चेतावनी दे चुकी थी कि वो हिजबुल्ला के ठिकानों से दूर चले जाएं। इजरायली सेना ने लेबनान को दूसरा गाजा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को इजरायली सेना ने इतने भीषण हवाई हमले किए कि पूरा लेबनान थर्रा गया। उधर हिजबुल्ला के खिलाफ महायुद्ध का बिगुल फूंक चुके इजरायल ने अपने यहाँ भी एक हफ्ते की इमरजेंसी जारी कर दी है। इजरायल पर ईरान समर्थित हिजबुल्ला के भी काउंटर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। हमलों के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनानी लोगों से संपर्क किया। उन्होंने उनसे हिजबुल्ला के लिए मानव ढाल न बनने का अनुरोध किया। नेतन्याहू ने अपने संदेश में कहा कि उनका निशाना हिजबुल्ला है, क्योंकि उसने हमारी उत्तरी सीमा में लगातार हमलों से इजरायली लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। उत्तरी सीमा पर रह रहे लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। हमारा काम उन्हें फिर से उनका घर देना है। इसके लिए हिजबुल्ला को मिटाना ज़रूरी है। हिजबुल्ला के तेज होते संघर्ष को देखते हुए इजरायल सरकार ने भी देश भर में हफ्ते भर की इमरजेंसी घोषित कर दी है। रक्षा मंत्री योयाव गैलेंट के प्रस्ताव के बाद सोमवार शाम को ये घोषणा की गई। इस निर्णय को होम फ्रंट कमांड को बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर जारी किया गया है। इमरजेंसी आगामी 30 सितंबर तक जारी की गई है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला को निशाना बनाकर किए गए व्यापक इजरायली हवाई हमलों में सोमवार को कम से कम 492 लोग मारे गए और 1645 से अधिक लोग घायल हो गए। इसराइल ने चेतावनी दी है कि समूहों के खिलाफ हमले बढ़ेंगे और लेबनानी नागरिकों को उन क्षेत्रों से भागने की भी चेतावनी दी गई है जहां ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के हथियार छिपाने की आशंका है। तो वहीं इस बीच ईरान का आरोप है कि इसराइल तेहरान को भड़काने के लिए हमले कर रहा है। ईरान ने इसराइल को जल्द ही अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।